पल पल छीना छीना घड़ी घड़ी निस दीना राम जपा कर चंचल मन नित राम जपा कर। नमस्कार, नर्मदे हर। मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आप देख रहे हैं खातेगंवारी.com। आज मानवता की परिक्रमा के दौरान हमें डिजिटल बाबा स्वामी रामशंकर जी मिले हैं, जिनसे हम हरिहर आश्रम हंडिया पर मुलाकात कर रहे हैं। कई दिनों से फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जब इनके वीडियोस को देख रहे थे तो मन में उत्सुकता थी कि किस तरह से बात की जाए और जाना जाए कि क्यों डिजिटल युग का सहारा लेकर किस तरह से ये प्रेरणा आपको मिली है कि आप अपने साथ साथ इस परिक्रमा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल बाबा आपका नाम कैसे आया है स्वामी जी? आज का जो दौर है उसमें युवा बहुत भारी संख्या में सोशल मीडिया में इंगेज है। जब ये बात हमें समझ में आया तो हमने जहाँ पर युवा मिल रहा है उसी प्लेटफॉर्म पर अपडेट होना शुरू किया, लिखना, वीडियो बनाना और शास्त्र के, आध्यात्म के, जो जीवन से संबंधित ज्ञान है उनको बताना शुरू किया। धीरे धीरे यूथ जुड़ता गया। जो मेरा कार्य करने का ढंग है, चाहे वो लिखना हुआ, बोलना हुआ, वीडियो शूट करना हुआ, एडिट करना हुआ, ये कार्य कौशल देख करके मीडिया हाउस ने हमें अपने रिपोर्ट में बाबा तो लिखा ही लेकिन साथ में डिजिटल जोड़ करके डिजिटल बाबा बना दिया। पहली बार एक बड़े प्लेटफॉर्म के जर्नलिस्ट ने हमसे जब पब्लिश की अपनी स्टोरी तो उससे पहले पूछ करके ये नाम रखा। मुझे हंसी आई लेकिन समझ में आया था कि ये नाम इतना क्लिकी है कि ह्यूमर भी क्रिएट करेगा, थोड़ी चटपटी सी एक फ्लेवर भी देगा और थोड़ा सा ना अनकॉमन ये थॉट है कि अरे डिजिटल बाबा। तो कुल मिला के वो उनका दिया हुआ एक सब टाइटल मेरे नाम के साथ आज अच्छे से ऐड हो गया है। अभी आपको सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलोअर कर रहे हैं, आपको वीडियो भी देख रहे हैं, पर आपको लोग व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं। हाँ। कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से कहाँ के रहने वाले हैं, उस टाइम थोड़ा सा बताएं। गोरखपुर में हमारा बचपन भी था, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, 10+2 तक जो पढ़ाई है, 10+2 12वीं तक की पढ़ाई हमने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में किया। सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि वो विद्यालय जो है इंटर कॉलेज, उसके प्रबंधक स्वयं वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। फिर आगे की पढ़ाई हमने बीकॉम किया, जिसमें गोरखपुर जो विश्वविद्यालय का मेन कैंपस है वहाँ से हमारी पढ़ाई पूरी होनी थी। पूरी होने से पहले ही हमने वैष्णव परंपरा के अनुसार आध्यात्म में प्रवेश लिया, अयोध्या में हमारी दीक्षा हुई और इस तरह आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। आपका नर्मदा परिक्रमा को लेकर जो अनुभव है, इतने दिनों से आप चलते 100 दिन से अधिक की यात्रा है, 111 दिन है, तो इस नर्मदा परिक्रमा का अनुभव जो निचोड़ बोलते हैं वो क्या आ रहा है? नर्मदा परिक्रमा के निचोड़ के बारे में अगर हम बात करें तो मैं एक बहुत ही स्वार्थी साधक था जो केवल और केवल अपने हित की बात सोचता था। ये कहना बड़ा कठिन है कि क्या मैं सच में स्वार्थी था, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर अपने पे आ जाती है तो आदमी अपना ही सोचता है, दूसरे का बाद में सोचता है। परिक्रमा में मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया कि हम साधन मार्ग में आ करके भी बहुत अभी सामान्य स्थिति में हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, तो उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली कि तुम अब तक तो कुछ नहीं किए, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो। तो एक जो अहम होता है ना, हाँ। साधु जीवन का, वो अहम खत्म हो जाता है।
अच्छा, माँ नर्मदा के परिक्रमा के दौरान देखा गया कि सरकार और प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही है जी। क्या आपको लगा कि माँ नर्मदा संरक्षण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं या अभी भी आज भी कोई कमियां हैं? ये बात तो मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य है, विडंबना है कि नर्मदा मैया की सेवा, उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में, उनके रख रखाव में सरकारें कहीं भी सफल नजर नहीं आती हैं। साफ साफ सब लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, नर्मदा मैया के किनारे बसे गाँव के लोग देख रहे हैं। माँ नर्मदा के जल का खूब अच्छा उपयोग हो रहा है, लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, जल पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए बड़े बड़े महानगरों में भेजा जा रहा है। बहुत भारी मात्रा में लगातार खनन करके नर्मदा मैया से रेत निकाला जा रहा है, कुछ अंश सरकारी खजाने में जा रहा है लेकिन एक बहुत बड़ा अंश लोगों के निजी खाते में जा रहा है। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारे करने से या चाहने से कुछ होगा नहीं, बस दुर्भाग्य ये है, दुख की बात यह है कि जिस मैया का हम पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी कस्में खाते हैं, उनको बहुत सारा वचन दिए हैं, उस हिसाब से उनका रख रखाव ठीक होता तो बहुत अच्छा लगता। दूर नहीं जाना है, ओमकारेश्वर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मध्य प्रदेश का, जहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं उसी स्थान पे अनफिल्टर शहर का सारा गंदा पानी मैया में आता है। ऐसे अनगिनत स्थान आपको दिखेंगे जब आप परिक्रमा से आगे बढ़ेंगे, परिक्रमा मार्ग में जितने कचरे गंदे जल हैं सब मैया में आके मिलते हैं। बस डिंडोरी का एक ऐसा कार्य मुझे बार बार याद आता है कि वहाँ पर गांव के लोगों ने, शहर के कुछ लोगों ने मिल करके और प्राकृतिक तरीके से ट्रेडिशनल फॉर्मेट में फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस वहाँ किया है। तीन चरणों में उन्होंने पत्थर, कुछ कोयला, कुछ चूना इस तरह का लगा के लेयर बना के और फिर वहाँ से पानी जब पास होता है तो डायरेक्ट जो कचरा आता है वो फिल्टर होके आता है। दूसरा, पूजा पाठ के लिए हम मैया के तट पर जाते हैं, देखते हैं निजी तौर पर जो श्रद्धालु लोग हैं, अनाप शनाप इतना ढेर सारा कचरा वहाँ छोड़ के आते हैं, देख के बहुत दुख होता है। तो कृपा करके आप सबसे विनती है, कभी भी अगली बार जब पूजा करने मैया के किनारे जाइए तो कोई भी कचरा वहाँ छोड़ के मत आइए। जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, पूजा की सामग्री, खाने पीने की डिस्पोजल, वो सब पैक करके लाइए, कहीं किनारे उसको जला दीजिए और वहाँ छोड़ के मत आइए। यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन बहुत ढेर सारे लोग मैया के किनारे पूजा करते हैं ना। उस दिन हम परिक्रमा कर रहे थे, एक दिन तो खूब पूजा हो रहा था, दूसरे दिन हर जगह कचरे 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 कचरे। एक और बात हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, हमारे वहाँ परंपरा में पता ही कहाँ से आ गया कि जो विसर्जित चीजें हैं पूजा आदि का, चाहे यज्ञ का राग हुआ, फूल हुआ या कोई पुरानी किताबें हुई, कई बार पुराने वस्त्र, वो सब हम नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। अब ये परंपरा है, ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का कोई तर्क हमें नहीं समझ में आता है। कालांतर में जो बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं, अब जब जन्मिन समझदारी हमारे भीतर आ गई है तो वो गलतियाँ बार बार ना करें। पहले ऐसे करते थे लोग, अब भी ऐसा करेंगे, ये कोई तर्क नहीं है। तो अब वो अवशिष्ट जो पदार्थ हैं वो मैया में न प्रवाहित करा जाए, बेहतर होगा कि कोई साफ सुथरी जमीन को खोद करके उसमें फूल माला डाल दे, वो धीरे धीरे खाद का रूप ले लेगा और वो आपके फूलवारी में काम आ जाएगा। आप प्रतिदिन डिजिटल रूप से मां नर्मदा के भक्तों को दर्शन कराते हैं, आपको क्या लगता है कि डिजिटल रूप से भी भक्ति मार्ग को जाया जा सकता है? नहीं, डिजिटल तरीके से भक्ति में आप उन्नति नहीं कर सकते, बट इंस्पायर्ड हो सकते हैं, आप प्रेरित हो सकते हैं। आपके पास इस समय 20 प्रकार के विषय वस्तु हैं, डीजे है, पिक्चर है, सीरीज है, वेब सीरीज, न्यूज़ है, हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए हर तरह का आपके पास वीडियो है। ऐसे में आपके पास ये भी विकल्प होना चाहिए कि कुछ समय आप अपने आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, आध्यात्म के बारे में सुने। और मैं कोई अकेला नहीं हूँ जिसका वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर मिलता है, बहुत आयत में बहुत सारे साधु महात्मा मोटिवेशनल गुरु हैं जो वहाँ पर अपना कंटेंट शेयर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, उनमें और हमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहोगे तो शायद शायद सक्सेस मिले, शायद आपको वो जवाब दें। अगर हमसे आप
जेन्युइन विषय पर बात करना चाहेंगे तो क्विकली आपको उत्तर मिलेगा। अब हेलो हाय कैसे हो, क्या खाए हो, क्या पियो, कहाँ रहते हो, ये सब फालतू सवाल का उत्तर नहीं देते। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैं खुद कॉल बैक करता हूँ। तो सवाल जो होते हैं वो कितना ज़रूरी है उत्तर देना, उसके आधार पर हम उनको रिप्लाई करते हैं। सर महाराज जी, एक विषय और मेरे दिमाग में भी आया कि आपको हमने देखा कि आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो बिचारा था कि हम भी कोई परिक्रमा करें, है ना। तो अगर परिक्रमा करें तो हमको लाभ क्या होगा, क्योंकि पहले आदमी सोचता है कि लाभ क्या होगा। तो अगर हम परिक्रमा करना चाह रहे हैं तो मनुष्य जीवन में आदमी को क्या, आम व्यक्ति अगर परिक्रमा कर रहा है तो उसको क्या लाभ होगा, क्या परिवर्तन उसके जीवन में आएगा। लोगों की अलग अलग समझ हो सकती है, राय हो सकती है, अनुभव हो सकता है। मेरे समझ में सिर्फ इतना हम समझते हैं कि परिक्रमा एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप बनी बनाई अपनी व्यवस्थित दुनिया से बाहर निकलते हो और एक ऐसी दुनिया में एक ऐसी यात्रा करते हैं जहां पर कुछ भी आपको पहले से निर्धारित नहीं मिलता है। आप भले सोचो कि आज हम 30 किलोमीटर चलेंगे और वहां रुकेंगे, पर ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। कल हमने सोचा था कि हम इस स्थान पर हरिहर आश्रम पहुँच जाएंगे, पर मार्ग में एक और अच्छा स्थान मिल गया, वैदिक विद्यापीठ। वहाँ पर बच्चों को सनातन धर्म से जुड़ी जो गुरुकुल की पद्धति है, जहाँ पर वेद, उपनिषद, कर्मकांड पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ वहाँ पढ़ाई जाती है। वो स्थान जब मेरे संज्ञान में आया तो हम वहाँ चले गए आराम से, डेढ़ घंटा हम बच्चों के बीच में बीत गया, पता नहीं चला। तो ऐसे यहाँ नहीं आ पाए, तो आप चलते हैं। अब जब यहाँ नहीं आ पाए, हमने सोचा कि ये जगह बड़ा अच्छा है, अनुकूल है, अब यहाँ नहीं आ पाए, तो एक ऐसी जगह आप रह रहे हो जहाँ के बारे में मालूम नहीं किया, आप थोड़ी देर पहले तक नहीं जानते थे कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। तो गुरुकुल में नहीं, बल्कि किसी के घर में रुकना हुआ। तो पूरी परिक्रमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए खुद अपने भीतर से सामर्थ्यवान हो जाते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में सहज रहना सीख लिया, वो जिंदगी के हर हाल में, हर कंडीशन में खुद को संभाल लेता है। अभी आज की स्थिति क्या है, हम सुख जब आता है तो बड़े आनंद से, मौज में, मस्ती में रहते हैं। जब तकलीफ आता है तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, मुंह लटक जाता है, धैर्य खो बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों आया है, चला जाएगा। तो प्रतिकूलता आज है, जो साधक होता है उसे ये बात मालूम होती है कि अरे ये कोई परमानेंट नहीं, ये भी चला जाएगा। दुख आया है, चला जाएगा, सुख आया है, चला जाएगा। तो समभाव में रहेगा और जीवन के परम प्रयोजन की ओर बढ़ता रहेगा। अब जीवन का परम प्रयोजन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जीवन का परम प्रयोजन ये है कि आप कौन हो, अपने आप को जान लो। ये जो पिंड दिख रहा है ना, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का लंबा, किसी का मोटा, हाँ, कोई स्त्री देह में, कोई पुरुष देह में, हम वो नहीं है। हम इस देह में बैठे हुए इस देह के स्वामी हैं, और इस देह का जो स्वामी है उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तत्वतः, स्वरूपतः अगर बात करेंगे तो परमात्मा का एक अलग विराट व्यापक स्वरूप है, और हम जो अभी देह में बैठे हैं हमारा एक अपना स्वरूप है जो कभी भी उससे समानता नहीं हो सकती, लेकिन तत्वतः हम दोनों एक हैं। तो ये एक लंबी डिस्कोर्स है, जब इसमें आप और इंटरेस्ट अपना खुद में अनुभव करिएगा तो और इस पर बात करेंगे। अच्छा, मेरे दो आखिरी सवाल रहेंगे। मानवता परिक्रमा पथ पर आपके कुछ अच्छे अनुभव जो आपको लगा कि परिक्रमा के बाद भी हमेशा याद रहेंगे। परिक्रमा के बाद याद यही रहेगा कि हम कल तक अपने बारे में सोचते थे, अब परिक्रमावासी की सेवा करने वाले जो समर्पित साधक जन हैं, आश्रम हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये सीख दिया कि जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो तुम भी कुछ करना अपनी ज़िंदगी में और के लिए। मेरा अगला सवाल यही था कि मानवता तट पर निवास करने वाले लोग जो हैं, जो परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या अनुभव रहा, क्यों इतनी तादाद में लोग सेवा कर रहे हैं? सच्ची बताऊँ, मतलब मनुष्य तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे आपको, वो चोला वाला मनुष्य जिसके दो पैर होते हैं और दो हाथ होते हैं, जो पशु से अलग दिखता है, लेकिन अमूमन मनुष्यों में एक भयंकर पशु, पशु की तुलना मनुष्य से हम नहीं करना चाहते, मनुष्य पशु से भी बदतर है। पशु भी अपने प्रवृत्ति में रहता है, अपने स्वभाव में रहता है, लेकिन मनुष्य कब बदल जाए पता नहीं, ठीक है ना। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है,
मनुष्य हम है ना, इससे हम मनुष्य नहीं हो जाते। जब हम अपनी खुशी, अपनी जरूरतों के साथ औरों के लिए जिंदगी जीते हैं, तब हम सचमुच मनुष्य होते हैं। तो परिक्रमावासी की सेवा करने वाले जो लोग हैं ना, उनको देख के ऐसा लगता है कि सचमुच अभी भी लोगों में मनुष्यता मूर्त रूप से जीवित है, और वही चीज़ हम सीख के जा रहे हैं और जिंदगी भर इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे अपने। और इस जगह पर जब हम बात कर रहे हैं स्वामी जी से, स्वामी राजदास जी हमारे साथ हैं। स्वामी राजदास जी लगातार संतों की सेवा कर रहे हैं, परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी, पहली चीज तो आप यहाँ पर बैठ के सेवा कर रहे हैं, एक स्वामी जी है जो डिजिटल रूप से सेवा कर रहे हैं, आप भी लोगों को भक्ति मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, ये भी लोगों को भक्ति मार्ग, क्या अंतर आपको लग रहा है कि किस तरह से स्वामी जी का लोगों को जागरूक करने का नजरिया है और आपके जो नजरिए हैं, कितना फर्क इस समय आ रहा है इन चीजों से? मैं कहना चाहूंगा आज का जो युग है, सच में महाराज जी उसको लेकर के लोगों को जो प्रेरणा दे रहे हैं अद्वितीय है, अद्भुत है। और ये छोटा सा स्थान आपका हरिहर आश्रम, ग्राम भमौरी, तहसील हंडिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ परिक्रमावासी आश्रम में अंदर प्रवेश करने को कहा, जो यहाँ आनंद का, सुख का जो अनुभव करता है, उनको देख करके, उनकी प्रसन्नता देख करके मेरे हृदय गदगद। और आज स्वामी जी हमारे रामशंकर दास जी महाराज, आज उनकी परिक्रमा का 111वां दिन, और अपने आश्रम पे आज महाराज जी दोपहर में महाराज जी का आगमन हुआ, और महाराज जी के साथ में आज भोजन प्रसादी, और ये हमारी जो जैविक खेती है, इसका जो चना खेत से ले जा करके और टेकरी पे मैया का दर्शन करते हुए मैया के तट पर बढ़िया, आज जो हमने जो आज होला का जो आनंद लिया, वो महाराज जी के ये जो पल हमारे साथ रहे ना प्रभु जी, अद्वितीय और हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। अच्छा महाराज जी, मेरा एक सवाल हो था कि इतने सारे परिक्रमावासी आते हैं, रोज उनकी सेवा होती है, तो इसका किस तरह से इसका संचालित होता है पूरा? ये हमारा हरिहर आश्रम आज इतना व्यवस्थित ढंग से जो चल रहा है, इसी ग्राम बमौरी के एक माँ के पुत्र हमारे राम निवासी पटेल प्रभु जी, परिक्रमावासियों के प्रति, संतों के प्रति उनके हृदय इतना विशाल है कि संतों को देखते ही उनका हृदय गदगद हो जाता है, और संपूर्ण आश्रम की व्यवस्था वो सब देखते हैं। कुल मिला के आपका अनुभव क्या रह रहा है कि इन लोगों की सेवा जब हो रही है, परिक्रमावासी सेवा, आपका क्या अनुभव क्या रह रहा है? प्रभु जी, मैंने भी मैया की परिक्रमा की, बहुत विधिवत ढंग से की, और उस परिक्रमा करने के बाद में भी मुझे मतलब ऐसा मुझे लगा कि सच में परिक्रमा मैंने जिस भाव से मैंने की, उस भावना की मेरी पूर्ति भी हुई। वो ऐसे है कि परिक्रमा करते हुए मैं अनेक स्थानों पर गया, सच में जो संत सेवा के लिए, जिनका शरीर स्वयं सेवा चाह रहा है, वो संत सेवा कर रहे हैं, तो उनको देख करके मुझे लगा कि अरे ऐसी ऐसी मूर्तियाँ जिनका शरीर स्वयं सेवा चाह रहा है और वो परिक्रमावासियों की सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको देख करके ये प्रेरणा मुझे भी मिली कि भैया जब भी मेरी आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी तो आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मैं आपके चरणों में बैठ करके, आपके तट पर बैठ करके सेवन भी करूं आपका और परिक्रमावासियों की सेवा भी करूं। तो इस प्रकार से मेरा जो है यहाँ मैया के तट पर परिक्रमावासियों की सेवा कर, ऐसे परिक्रमा करने के उपरांत ही मेरा भाव जगा। तो इस तरह से अनेक तरह के अनुभव जब संतों के बीच बैठते हैं तो मिलते हैं, अनेक तरह की जानकारियाँ मिलती है, बातें खत्म नहीं होने वाली क्योंकि संतों के बीच में बातों का कोई विराम नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे, और मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि अगर आप डिजिटल रूप से मानवता की परिक्रमा को देखना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर समय मिलता है और उस पर अनुभव करना चाहते हैं, तो स्वामी रामशंकर जी के पेज पर भी आप जा सकते हैं, और वहाँ से बहुत ही आसानी से मानवता के प्रत्येक दिन के दर्शन आप कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। नर्मदे हर, जिंदगी भर सीताराम।